चलिए, आज बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहा था कि अपना सेटअप दिखाइए, दिखा दीजिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम अपना सेटअप दिखाएंगे कि किस प्रकार हमारा सेटअप है और कैसा बोर्ड का प्रयोग करते हैं, कौन सा मोबाइल या कैमरा किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, वीडियो करने में कौन सा माइक है, क्या है, सारा चीज़ हम दिखाते हैं आपको, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कैमरा को बैक कर देते हैं, बैक। तो चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे, ये 5 सेट बेंच डेस्क का है, तो उसमें कोचिंग भी पढ़ाते हैं ऑफलाइन, गांव का कुछ कुछ बच्चा आता है, बहुत ज़्यादा नहीं। शुरू से देखते हैं ये अंदर दाखिल कैसे होते हैं, वहाँ से शुरू देखते हैं। तो चलिए पहले ये दरवाज़ा देख लीजिए, दिख रहा है ये दरवाज़ा है, बिल्कुल सड़ा सा दरवाज़ा। से बाहर थोड़ा सा दिखा देते हैं क्योंकि रात है तो दिखेगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए घर का सीन है। वो पीला लाल पिलर जो दिख रहा है वो घर है हमारा, इधर ये खपरा का घर है, उधर अल्वेस्टर का है, फिर ये रहा, इधर कुछ पेड़ उड़ है, पपीता पपीता देखिए ना, इधर कुछ कुछ है पेड़। उसके बाद यहाँ से इस दरवाजे से होते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। ये दरवाजा, ये थोड़ा सा नीचे दिख रहा होगा भींगा हुआ, दिख रहा, पानी अभी बहुत ज़्यादा आया है तो भींग गया है, तो मैंने ये पानी घुस जाता है, दिख रहा है इधर पानी उनी घुस जाता है, इसलिए भींगा हुआ है। और ज़मीन भी पक्का पलस्तर नहीं दिख रहा होगा, नीचे ढलाई किया हुआ, क्योंकि पहले यहाँ पे गाय बांधते थे, गोहाल था, है ना, तो गोहाल था, लेकिन लॉकडाउन ऑनलाइन पढ़ाने के कारण ही यहाँ से गोहाल को हटाए, गाय के दूसरा जगह उसके लिए बना दिए और इसको थोड़ा कोचिंग टाइप को बना दिए, दिख रहा है छोटा सा, इसीलिए दरवाजा भी छोटा है, देख लीजिए गोहाल के हिसाब से था। और ये बेंच सब है जहाँ बैठ के पढ़ता है, 5 गो बेंच है तो कितना रहता होगा स्टूडेंट आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये टेबल है जहाँ पे बैठ के पढ़ते उड़ते हैं कुछ, और लाइट उठ का देखना चाहे तो लाइट ऊपर देखते हैं, तो ये एक बड़ा सा बीच में लाइट लगाए हैं, ट्यूबलाइट भी दिख रहा होगा, उधर भी एक ट्यूबलाइट, लेकिन ये ट्यूबलाइट दोनों का दोनों एक ही दिन में फिलहाल ख़राब हुआ है, उधर एक लगा बल्ब है एक यहाँ पे, तो ट्यूबलाइट ख़राब हो गया है, फिर भी थोड़ा सा ठीक ही लाइट है, इसलिए ट्यूबलाइट नहीं लिए हैं अभी, और अभी दो ही बल्ब काम चला रहे हैं, लगभग ठीक ही आ रहा है, बहुत अच्छा था लेकिन ठीक ठाक आ रहा है, इसलिए लाइट नहीं लिए हैं अभी, देखते हैं पैसा वैसा होगा तो ले लेंगे। ये देखिए छोटका बड़वा जो पहले पढ़ाते थे शुरू में, और इससे पहले तो पेन कॉपी में पढ़ाते थे, उसके बाद ये छोटका वाला बोर्ड इस बोर्ड से पढ़ाते थे इस बोर्ड में, और उसके बाद फिर बड़ा बोर्ड लिए। तो थोड़ा सा बोर्ड भी देख लीजिए किस प्रकार का बड़ा बोर्ड है और कितना पड़ा था उसको भी समझ लीजिए। इसमें ये बोर्ड देखिए पूरा यहाँ था बोर्ड है, तो इस बोर्ड को बनवाए थे, है ना, एक दोस्त लड़का है उससे बनवाए थे, सनमाइका और प्लाई है, उसमें सनमाइका का साटा हुआ है और कुछ नहीं है, तो ये 7 फीट लंबाई है, लंबाई है 7 और चौड़ाई है 4 फीट, है ना, तो 2200-2300 पड़ा था। और ये बॉक्स जो कि ज्योमेट्री बॉक्स है, इसमें स्केल कंपास सब है बोर्ड में पढ़ाने वाला, और ये टेबल है इसमें बुक सब है, उसको भी बताएंगे क्या क्या बुक है और आगे का क्या क्या टारगेट है, क्या क्या पढ़ाएंगे, किसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए स्टैंड, 300 का स्टैंड है, ज़्यादा महंगा नहीं, पहले लकड़ी का बांध के बनाते थे लेकिन 300 वाई स्टैंड मिल गया है तो इसको अब करते हैं। ये देखिए कैमरा मोबाइल से करते हैं, ये मोबाइल है, ये सैमसंग का मोबाइल है ना, A70 सेकेंड हैंड लिए थे 12,000 में, इसी से रिकॉर्ड करते हैं, ये मोबाइल कैमरा वमरा नहीं है ना। ये टेबल में आ जाते हैं तो टेबल के नीचे पानी जमल है, इसी टेबल में बैठ के पढ़ते उड़ते हैं। और देखिए अभी कुछ
कुछ कुछ जैसे ये बुक दिख रहा होगा एसएससी मैथमेटिक्स का, ये अभ्यास पेपर जीडी जनरल ड्यूटी, ये रहा आर्मी का भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी राम सिंह यादव का, जो कि अगला टारगेट है यही सबको कंपटीशन का पढ़ाने का, जो कि नया चैनल जो है उसमें। तो इसलिए ये सब बुक लिए हैं ताकि अच्छे से चीज़ों को समझ के और सबका निचोड़ आपको दे सके, है ना। देख रहे हैं ये सीटेट का बुक हो गया, उधर झारखंड का पढ़ा हुआ है, खैर झारखंड तो बस जनरल नॉलेज है, मेरा तो मेन मैथ साइंस, ये ग्रुप डी का हो गया, इधर एसएससी का हो गया, ये एक मैथ हो गया और उधर एसएससी का, और भी बहुत सारा बुक इस प्रकार का लिए हैं ताकि सभी का निचोड़ आपको दे एकदम, है ना। जेटेट का अगर सीटेट पढ़ना चाहे तो सीटेट मिलेगा, एसएससी रेलवे जो भी चाहिए आप, एसएससी रेलवे रीजनिंग मैथ साइंस सबका एकदम निचोड़ सभी बुक से मिला जुला के सबसे बेस्ट तरीका से सबका बेस्ट को निकाल के मतलब एकदम निचोड़ आपको देंगे, ओरिजिनल चीज़ है ना। ये आर्मी की तैयारी करना चाहेंगे तो ये आर्मी का बुक सब भी ले लिए हैं ताकि अच्छे से आपको तैयारी करा सके, ठीक है। और भी बहुत सारे बुक है जो कि अपना रूम में है, ये तो अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखते, जगह ही नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा टेबल है, यहाँ पे लिखना उखना भी रहता है। तो खैर बुक स्लैब भी बुक रखने के लिए मंगाए हैं, वो शायद कल पहुँच जाएगा, है ना, तो उसको भी दिखाएंगे कैसा है और क्या, अगर देखना चाहिएगा तो कितना पड़ा बता देंगे, थोड़ा अनबॉक्सिंग टाइप का करके। खैर ये सब मेरा नहीं है, बस हमको पढ़ाने से मतलब है इसलिए ज़्यादा ये सब दिखाते नहीं, लेकिन बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि थोड़ा सा दिखाइए तो शायद दिखाते रहे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, बस हो गया। अच्छा माइक उक नहीं बताएं, मोबाइल तो बताएं का चीज़ से रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइल से बोर्ड हो गया, लाइट उट देख के लिए पंखा है लेकिन नहीं चलाते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, हड़ हड़ हड़। ये माइक देखिए, माइक लगा लिए हैं, माइक को दिखावे कैसे रहे भाई, इधर ये लगा लिए हुए हैं माइक, है ना। ये इसमें बैटरी रहता है तो खैर मोबाइल में बैटरी की जरूरत नहीं पड़ता, ये बोया का माइक है, ये बोया बहुत लंबा तार है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ पे कैमरा रहता है और वहाँ तक बोर्ड तक मैंने इधर से आराम से इधर उधर घूम घाम के घूम घूम को पढ़ा सकते, क्या कि लंबा केबल रहता है एकदम लंबा तार है, ठीक। तो ये बोया का माइक लगभग 10-1100 पड़ा था, 1000 आसपास, मतलब 1000-1100, तो अच्छा खासा आ जाता है आवाज़, है ना, ठीक ठाक है, मतलब कम एकदम मैंने सस्ता में ठीक ठाक है। धीरे धीरे आप लोग का साथ रहेगा तो अच्छा अच्छा भी क्वालिटी का रहेगा बोर्ड सब और स्टैंड सब भी और कैमरा मोबाइल सब रहेगा, लेकिन वक्त आएगा ना, अभी तो बस शुरुआत है, आगे देखते हैं होता क्या है। तो चलिए और क्या है, कुछ वैसा नहीं है, देख लीजिए बस यही 2-3 चीज़ें पढ़ाने के लिए, बोर्ड है, मोबाइल है, स्टैंड है, माइक है, किताब है, ठीक, और कुछ वैसे नहीं है। ये रूम का नज़ारा देखने के लिए होंगे, अभी बहुत कुछ दिख रहा है, हम जहाँ से शुरुआत किए थे ना उस समय देखिए कुछ नहीं था, ये छोटा सा बोर्ड था, लेकिन उससे भी पहले जब शुरुआत किए थे देखते होंगे जो पुराने स्टूडेंट होंगे, तो हम शुरुआत किए थे कहाँ से, कॉपी से, है ना, कॉपी में बताते थे देखते थे, तो उस समय डंडा का था, लंबा सा डंडा में मतलब बांध देते थे मोबाइल को, और थोड़ा इस तरह से करके कुछ टेबल वेबल में जांत उत के किताब उताब से ईंटा उठा थोड़ा उठा देते थे और फिर पढ़ाते थे, है ना। तो वहाँ से शुरुआत की, धीरे धीरे बोर्ड भी ले आया, ट्राईपोर्ड माइक भी ले आया, मतलब धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, आगे भी देखेंगे आप लोग का साथ रहे तो डिजिटल बोर्ड भी लिया जाएगा, है ना, बस आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, और धीरे धीरे अपना पढ़ाने का भी तरीका में इम्प्रूव करेंगे और क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा धीरे धीरे, है ना, कहे कि आजकल क्वालिटी भी देखता है, कितना अच्छा पढ़ाई है और बढ़िया क्वालिटी का वीडियो नहीं रहे तो कोई नहीं देखता है ना, इसीलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप लोग का साथ रहा तो। चलिए बहुत जल्द आप लोग का ये जो सब बुक जैसे दिखाएं कंपटीशन सबका कितना सारा बुक्स है तो वो सबका निचोड़ हम एक तैयार कर रहे हैं ताकि सभी का निचोड़ आपको एक दे सके, अच्छा से अच्छा तैयारी आप जिस चीज़ का भी चाहे तैयारी करना तैयारी आपका करा सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई क्लास लेकर के, थैंक्स फॉर वॉचिंग।